फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं दीपिका जैन लेके आई हूँ आप सबके लिए एक न्यू मेकअप ट्यूटोरियल वीडियो, जिसमें मैं आज आपको एक वन ब्रांड मेकअप ट्यूटोरियल दिखाऊंगी और उनके प्रोडक्ट्स के बारे में आपको थोड़ी सी डिटेल में भी बताऊंगी। तो आई होप आप लोगों के लिए मेरी आज की वीडियो हेल्पफुल रहेगी और आप लोगों को पसंद आएगी मेरी वीडियो। तो प्लीज़ एज यूजुअल सबसे पहले मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए मेरी वीडियो मेरे चैनल को, और शेयर भी कीजिए एंड डू कमेंट मी टू। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो नाउ एंड हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल। तो आज जिस मेकअप ब्रांड की बात हम करने जा रहे हैं उसका नाम है माई ग्लैम। आई होप आप सब इस नाम से अब वाकिफ हो गए होंगे, बिकॉज ये अपकमिंग ईयर्स में बहुत ज़्यादा फेमस हो गई है इंडिया में, और इसके प्रोडक्ट्स भी बहुत अच्छे हैं और क्रूल्टी फ्री प्रोडक्ट्स हैं और 100% वीगन प्रोडक्ट्स हैं। तो आप जो भी जिनको भी प्रॉब्लम है एनिमल टेस्टिंग से या इस सब से, तो वो इन प्रोडक्ट्स को इजीली और आराम से यूज़ कर सकते हैं। मैं उनमें से एक, मैं खुद भी हूँ जो क्रूल्टी फ्री प्रोडक्ट्स यूज़ करना पसंद करती हूँ। तो देखते हैं हमारे पास क्या क्या है, और देखिए फ्रेंड्स ये सब चीज़ें हैं और आज मैं इन सब का आपको बताती हूँ। तो मैं थोड़ा फास्ट दिखाऊंगी क्योंकि नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो मैं थोड़ा सा सबसे पहले तो है ये एक फेशियल सीरम, ये है 1% रेटिनल एज डिफाइंग सीरम। इसके बहुत सारे ऑप्शंस हैं उसके ऐप पे, आप माई ग्लैम ऐप पे जाके देख सकते हैं। विटामिन सी का है और भी बहुत सारे हैं सीरम्स, जो भी आपके अकॉर्डिंग जो भी आपको चाहिए। तो मैं ये वाला सीरम यूज़ करती हूँ और मुझे अच्छा लगता है, ये डिसेंट सा है इसका। एक्चुअली इनके प्रोडक्ट्स बहुत ओवर टॉप नहीं है, बहुत डिसेंट है। तो ये मैंने सीरम की बात कर ली है, और अब हम बात करते हैं इसके प्राइमर की। इसका ये टिंटेड प्राइमर है, और टिंटेड परफेक्शन ब्राइटनिंग बनाना प्राइमर। तो इसको, ये इसकी पैकेजिंग है और इसमें प्रोडक्ट, वो आप मेरी ट्यूटोरियल में देख लेंगे। तो ये सही है, डेली वेयर बेसिस के प्रोडक्ट्स हैं इसके, बहुत हाई कवरेज प्रोडक्ट्स नहीं है। अब हम इसके बाद हम बात करते हैं इसकी, ये 5-in-1 पैलेट है। ये फाउंडेशन कलर है, ये कलर करेक्टर है, और ये कंसीलर है, और इसमें प्राइमर भी मिक्स्ड है, और ऐसा कहते हैं कि इसमें आप कॉम्पैक्ट का भी काम करता है ये। बट मैं आपको इसका रियल रिव्यू दूँ तो ये कलर करेक्टिंग और कंसीलिंग के लिए तो फिर भी ठीक है, बट शेड्स जो ये आई डोंट नो, ये शेड मेरे अकॉर्डिंग बहुत बिल्कुल ही मेरी कहते हैं ना एज इट इज़ मेरी स्किन शेड है, तो ये इतना सिर्फ एक क्या कहेंगे हम, एक मैट फिनिश देते का फेस को, बट ये एज हाईलाइट नहीं करता। तो उसके हिसाब से मुझे कम पसंद आया ये फाउंडेशन, और ये प्राइमर इसमें होगा नो डाउट, बट इसमें कॉम्पैक्ट का काम ये नहीं करता। कॉम्पैक्ट के लिए हमें दूसरा लूज पाउडर या कोई और कॉम्पैक्ट यूज़ करना पड़ता है। इसकी पैकेजिंग बहुत लग्जूरियस है इस ब्रांड की ना, तो वो बहुत अच्छी लगती है। तो ये बस ये है कि आप ट्रैवल फ्रेंडली है, आप सॉर्टेड हो जाते हैं 5-in-1 प्रोडक्ट्स में, कि भाई आप ट्रैवलिंग में कम चीज़ें आपको कैरी करनी पड़ती हैं। नेक्स्ट है ये 3-in-1 पैलेट, जिसमें एक ब्रोंजर है, एक ब्लशर है और एक हाइलाइटर है। ये आप मेरी वीडियोस में देखते ही होंगे कि मैं बहुत ज़्यादा इसकी फ़ैन हूँ एक तरह से, और मुझे बहुत पसंद है क्योंकि बहुत डिसेंट सी वो देता है ये फिनिश, और अच्छा लगता है, और ये इजी टू कैरी है ही। तो देखिए ये पाउडर प्रोडक्ट्स हैं, उसके बाद हम आते हैं एक ये भी, इसमें एक कैटेगरी है माई ग्लैम की ही,
के प्ले, तो के प्ले में ये ब्लश है, तो ये इसके भी कई कलर्स हैं और आपको इसकी वेबसाइट पे इसके कलर्स मिल जाएंगे। और सब में ना बिल्ट इन मिरर है, तो ये बहुत अच्छी बात है कि सब में ही एक मिरर दिया हुआ है आपको, तो आपको इजी रहता है मेकअप करने के लिए। और अब हम आ जाते हैं, ये आई शेडो पैलेट है, ये भी 3 in 1 है। इसमें एक प्राइमर है, एक शेड है ब्राउन कलर का, और एक हाइलाइटर है। वैसे ये अच्छा है, बट इसके और भी कलर्स अवेलेबल हैं इसकी साइट पे, सिंगल सिंगल डिफरेंट कलर्स। तो अगर आप पर्टिकुलर कलर लेके जाना चाहते हैं तो ये इजी है आपको कैरी करने के लिए। और इसमें ही माइग्लैम ही एक मनीष मल्होत्रा कलेक्शन स्पॉन्सर करता है, मतलब उसी के अंदर है एक रेंज मनीष मल्होत्रा कलेक्शन, तो उसी की कलेक्शन की ये मेरे पास एक आई शेडो पैलेट है। ये 4 in 1 है, तो आप इसके प्राइजेस वगैरह इसकी साइट पे जाके देख सकते हैं, उस पर डिस्काउंट्स आते रहते हैं, तो आप देख के और अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। इसमें शेड भी हैं और साइट पे, तो ये देखिए, ये भी मैं अधिकतर अपनी वीडियोस में यूज़ करती ही रहती हूँ। इसी का एक और है, ये 9 in 1 पैलेट है और इसमें 9 शेड्स हैं। तो आज का लुक मैंने इन्हीं प्रोडक्ट्स के साथ किया है, तो आई होप आपको मेरा आज का लुक पसंद आएगा। ये है माई ग्लैम का ग्लो एंड ग्लैमर फिक्सिंग पाउडर और शिमरिंग पाउडर। इसमें 2 in 1 है, ये नीचे इसमें फिक्सिंग पाउडर है जो ट्रांसलूसेंट पाउडर है, और इसमें ये शिमरी पाउडर है, ये शिमरी पाउडर है जिसमें हल्की सी शिमर है, हाईलाइट वो ग्लो लुक देती है, वो ग्लोई लुक देती है आपके फेस पे। और फाउंडेशन में इसमें बहुत सारे फाउंडेशन ऑप्शन हैं इसकी साइट पे, आप जाके देखेंगे तो इसी में से एक इसकी कैटेगरी है पोजेस HD फाउंडेशन, तो ये भी एक फाउंडेशन है। और ये देखिए, तो ये भी क्रीमी फाउंडेशंस हैं फ्रेंड्स। ये एक ये टिंट अप है माइग्लैम का, लिप एंड चीक स्टेन, तो ये लिक्विड है, ये आप लिप्स पे भी लगा सकते हैं और चीक्स पे भी, तो बहुत ही नेचुरल फिनिश देता है ये चीक्स को ना। और इसके भी 3-4 शेड अवेलेबल हैं, आप जाके देख सकते हैं। ये दो मस्कारा हैं इसके, ये मनीष मल्होत्रा कलेक्शन है और ये माई ग्लैम कलेक्शन है, और ये वॉल्यूमाइजिंग एंड कर्लिंग मस्कारा है, पर ये एक डिसेंट इफेक्ट देता है। और जैसे कि आज मैंने लैशेस नहीं लगाई है, तो ये मैंने थोड़ा हैवी वाला मस्कारा भी यूज़ किया है, तो मैंने दोनों मस्कारा आज यूज़ किए हैं, तो आई होप आप लोग वीडियो में देख पाएंगे। अनफॉर्चुनेटली जो मेरा आईलाइनर और काजल था इसका, वो ख़त्म हो चुका है, तो अब मुझे वो ज़्यादा पसंद नहीं आया था, तो इसलिए मैंने रीऑर्डर नहीं किया उसका। तो आज मैंने अपने आईज पे कोई काजल या लाइनर नहीं लगाया है, मैंने आई शेडो से ही आज अपना लाइनर लुक क्रिएट किया है। अब बारी है एक ये लिक्विड हाइलाइटर है इसका, ये आपको होलोग्राफिक इफेक्ट देगा। ये देखिए, इसके भी 2-3 शेड अवेलेबल हैं, और इसका नाम है मैजिक पोर्शन रोल ऑन ल्यूमिनेटर, रोल ऑन सॉरी इल्यूमिनेटर। तो ये आप देखिएगा, मेरे चीक्स पे भी मैंने लगाया है। एंड एक ये स्पॉटलाइट माइग्लैम का स्पॉटलाइट हाईलाइटर है। टू बी वेरी फ्रैंक फ्रेंड्स, ये काफ़ी एक्सपेंसिव है, ये 1100 या 1200 की रेंज का हाईलाइटर है, बट अनफॉर्चुनेटली मुझे ये इतना पसंद नहीं आता है, बिकॉज इसका कुछ इफेक्ट ज़्यादा नज़र नहीं आता एज़ कंपेयर टू, ये देखिए फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा नेचुरल इफेक्ट है। आज मैंने आपकी आज की वीडियो में यूज़ भी किया है इसे, बट आई एम नॉट हैप्पी विद दिस लिक्विड हाईलाइटर।
इससे बेटर और ऑप्शन है जो इसमें है, तो ये मुझे कम पसंद आया, तो इसके लिए मैं आपको नहीं सजेस्ट करूँगी कि आप ये लीजिए। तो अब बारी है हमारी लिपस्टिक्स की, और प्रोडक्ट्स मैं आपको दिखा चुकी हूँ। अब बारी ये इसकी एक लिप बाम है, ये मेरे पास रेडिश टोन में है, इसमें पिंक टोन और भी कई कलर्स हैं इसके, तो ये लिप बाम बहुत अच्छी है। अब मैं दिखाती हूँ अपने लिप शेड्स। तो फ्रेंड्स ये हैं मेरे पास सारे इसके लिप शेड्स जिनके बारे में मैं बारी बारी से बात करती हूँ। पहले हम बात करते हैं इस लिप लाइनर की। ये एक लिप लाइनर है वाइनिश टोन का, देखिए पिंकिश वाइनिश टोन का, तो ठीक है ये नाइस। ये इसका एक लिप कलर है LIT सैटिन मैट लिपस्टिक, ये देखिए बहुत न्यूडिश और बहुत सुंदर शेड्स हैं इसके। और लिपस्टिक की भी बहुत ज़्यादा रेंज है इस ऐप पे, और आप जाके अपने अकॉर्डिंग चेक कर सकते हैं। एक ये है लॉन्ग स्टे मैट लिपस्टिक माइग्लैम अल्टीमेट, तो ये भी बहुत ब्यूटीफुल शेड है, इट्स न्यूडिश ब्राउनिश न्यूडिश। ये मनीष मल्होत्रा कलेक्शन का शेड है, इसका नाम है ML18 बेरली देयर, तो ये भी न्यूडिश शेड है, देखिए फ्रेंड्स बहुत प्रिटी कलर है। नेक्स्ट हम आते हैं मनीष मल्होत्रा, ये मैग्नेटिक लॉक है इसमें, ये देखिए बहुत लग्जूरियस पैकिंग है इसकी ना, इन प्रोडक्ट्स की। बहुत नेचुरल सा शेड है। नेक्स्ट हम आते हैं ये जो शेड आज मैंने लगाया है, इसका नाम है टॉक टू मी, ये भी मनीष मल्होत्रा कलेक्शन का है और इसका नाम है टॉक टू मी। और ये तो आपने देखा ही है जो मैंने लगाया है आज, इट्स अ पिंकिश टोन, पिंकिश न्यूडिश टोन। एंड लास्ट दिस इज द लिप ग्लॉस, इट्स अ मोल्टन समथिंग इट्स रिटन, इट्स अ मोल्टन मैट मेटालिक लिक्विड लिपस्टिक, इट्स अ काइंड ऑफ लिप ग्लॉस, दिस इज लिटिल मूवी स्टोन। और एक ये है मेरे पास इसका माई ग्लैम एक्सो कलेक्शन, ये मैंने एक बार वैलेंटाइन स्पेशल एडिशंस में आया था ये लिप ग्लॉस, तब लिया था, तो ये भी बहुत क्यूट सी पैकिंग है इसकी, बहुत नेचुरल सा फिनिश है। आपको दिखाती हूँ, ये देखिए फ्रेंड्स अगर आप देख सकते हैं तो, सॉरी आप देख नहीं पाए होंगे, मैं फिर से दिखाती हूँ, देखिए फ्रेंड्स बहुत ही डिसेंट नेचुरल फिनिश है इसकी ना, बच्चों के लिए स्पेशली, बच्चे टीनेजर्स या यंगस्टर या किड्स लगाना चाहें तो ये बहुत क्यूट और एक ऑप्शन अच्छा है उन बच्चों के लिए सबके लिए। तो ये थी आज हमारे माइग्लैम के प्रोडक्ट्स, एंड आई होप आपको ये प्रोडक्ट्स पसंद आए होंगे, और आप मेरी ट्यूटोरियल में देख के देख ही सकते हैं कि एप्लीकेशन पे ये कैसे लगते हैं। तो
प्लीज़ मुझे अपना प्यार दीजिए, सपोर्ट कीजिए मुझे और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो देखिए वीडियो, अब मैं आपको दिखाती हूँ अपनी ट्यूटोरियल वीडियो, जिससे आपको और ज़्यादा इजी हो जाएगा प्रोडक्ट्स लेने के लिए। तो आई होप आप सबको ये पसंद आएगी। तो मैं थैंक यू कहती हूँ आप लोगों का मेरे साथ बनने के लिए। मेरे साथ एंड तक बने रहिए और वीडियो को पूरा एंड तक देख के लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू, बाय, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, लव यू ऑल। तुम्हें बनाया कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, एहसान तेरा हो गा मुझ पर, दिल चाहता है जो कहने दो मुझे, तुमसे मोहब्बत हो गई है मुझे, पलकों की छांव में रहने दो। DJ Hassan.